आंखों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने भी बहुत कोशिश की, मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। आंखों में रखकर मंजिल, सफर का इरादा कर लो, न हारोगे खुद से, ये वादा कर लो, ये वादा कर लो। जी हाँ दोस्तों, कामयाब होने के लिए एक वजह ही काफ़ी है, इसे मैं अपनी कहानी के द्वारा बताऊंगा। यह कहानी हंगरी में रहने वाले क्रोलिटेकस की है। 21 जनवरी 1910 में उनका जन्म हुआ था। 1938 में उन्होंने आर्मी ज्वाइन की। वे बहुत अच्छे शूटर थे। हंगरी में रहने वाले लोगों को यह लग रहा था कि जब 1940 में ओलंपिक होंगे तो क्रोलिटेकस ही जीतेंगे। लेकिन एक दिन उनके राइट हैंड पर बम फूट गया और वह डैमेज हो गया। डॉक्टरों ने कहा कि वह अपने राइट हैंड से कभी भी पिस्टल नहीं चला सकते। उनके पास ऑप्शन था कि वह हार मान ले या कोई नया विकल्प ढूंढ ले। उन्होंने हार नहीं मानी। दोस्तों, जीतने वाले चीज़ें अलग नहीं करते, पर उनको अलग ढंग से करते हैं। उन्होंने कहा, क्या हुआ अगर मेरा राइट हैंड नहीं है तो मेरा लेफ्ट हैंड तो है, इसे ही मैं अपना बेस्ट हैंड बनाऊंगा। और वह प्रैक्टिस करते गए। हंगरी में एक प्रतियोगिता हुई, उन्होंने उसमें भाग लिया। उनके दोस्तों को यह लग रहा था कि वह उनका प्रोत्साहन बढ़ाने आए हैं, लेकिन वह तो भाग लेने आए थे और उन्होंने यह प्रतियोगिता जीत ली। उनका हौसला और भी बढ़ गया। उन्होंने ओलंपिक की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन वर्ल्ड वार के कारण 1940 का ओलंपिक नहीं हुआ। उन्होंने सोचा, जब 1944 का ओलंपिक होगा तो मैं उसमें भाग लूँगा। लेकिन 1944 का ओलंपिक भी नहीं हुआ। दोस्तों, जिंदगी जीना आसान नहीं होता। बिना संघर्ष किए कोई महान नहीं होता। वह अपनी प्रैक्टिस 1948 के ओलंपिक के लिए करते गए। जब 1948 में ओलंपिक हुए तो क्रोलिटेकस ने भाग लिया और गोल्ड मेडल जीता 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल के अंदर। जब 1952 में ओलंपिक हुआ तो क्रोलिटेकस ने भाग लिया और गोल्ड मेडल जीता और वो दो बार गोल्ड मेडल जीतने वाले बेस्ट शूटर बन गए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, जिन्होंने सफलताएं पाई हैं उन्होंने सपने कम और प्रयत्न ज़्यादा किया है, कहा भी गया है, जो सफ़र की शुरुआत करते हैं वो मंजिलों को पार करते हैं। एक बार चलने का हौसला तो रखो, रास्ते भी मुसाफिरों का इंतज़ार करते हैं, इंतज़ार करते हैं। धन्यवाद।